वो डाला और क्या उसमें चेंजेस पाए? सर मेरा बड़ा बेटा जो है वो 13 इयर्स ओल्ड है अभी. मैं उसको देख रही हूँ कि अचानक से उसके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं. जैसे जैसे एडोलेसेंस एज में आ रहे हैं उसके अंदर इतने मतलब वाइड ऑफ गंदे चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज आसपास का एनवायरनमेंट इज नॉट गुड. तो उसको देखते हुए आई फाइंड कि मेरा छोटा बेटा जो 3 साल का था वो तब से आ रहा है और वो 4 साल का हो गया, 1 साल हो गया उसको यहाँ आते हुए. एंड आई एम फाइंडिंग कि उसके अंदर उसके बिहेवियर के अंदर वो चेंजेस हैं जो यानी कि ड्रास्टिक चेंजेस हैं जो 4-5 साल की शायद किसी कोर्स से मैं करवा पाती. यहाँ राइट ब्रेन डेवलपमेंट का पूरा एक सीन देते हैं लाइक लेफ्ट हैंड यूज़ करना जो हम मानते हैं कि शायद अच्छा नहीं होता. हम इंडियंस में है ये प्रॉब्लम, हम सोचते हैं कि लेफ्ट हैंड बच्चा यूज़ करेगा वो लेफ्ट ही बन जाएगा. बट अगर आप देखेंगे उठा के जैसे सर ने भी बताया कि सचिन तेंदुलकर एंड और जो भी बड़े बड़े जो भी अच्छी पर्सनैलिटीज हुई ग्रेट पर्सनैलिटीज थे ऑल वर्क लेफ्टीज. सो एक तो कॉमन फैक्टर ये मिलता है कि अगर आप थोड़ा लेफ्ट हैंड यूज़ करें तो आपके बच्चे का राइट ब्रेन डेवलप हो रहा है. राइट ब्रेन बेसिकली आपको एक पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेकर जाता है, पॉजिटिव थॉट्स, अच्छा करना, ये सब. तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड और साल भर के अंदर बच्चे के अंदर काफ़ी चेंजेस हैं. वो अच्छे अच्छे पर्सनैलिटीज की पिक्स एक बार देखते ही कैच कर लेते हैं. मेमोरी उसकी बहुत शार्प हो गई है और अबैकस का भी अभी वो स्टार्ट करने वाला है, प्री कोर्स स्टार्ट हो चुका है. उसके अंदर उसकी कैलकुलेशन से ज़्यादा उसका एक लाइक यूज ऑफ बोथ हैंड्स ये ज़्यादा इसके ऊपर वर्कआउट हो रहा है एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड बाय दैट. आपका बच्चा अभी बहुत छोटा था जी, आपने क्यों मतलब ये सोचा अभी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पढ़ाई में भी ठीक था, कोई बिहेवियर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी आपने क्यों डाला अभी और क्या आपकी फैमिली ने भी सपोर्ट किया, क्या सोसाइटी ने भी सपोर्ट किया? सर अभी भी क्वेश्चंस होते हैं कि वाह इतने छोटे से बच्चे के ऊपर इतना बर्डन. बट जैसे कहते हैं ना कि जैसा आप बीज डालोगे उस तरह से फल निकलेगा. सो अभी छोटे में शायद जो मैं डाल पाऊँ उसके अंदर बड़े होने के बाद वो उस तरह से इतनी चेंजेस नहीं दिखा पाएगा. ब्रेन भी हमारा 5 ईयर्स तक सब कुछ अडाप्ट करता है अपने अंदर और वो सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से लाइक रूट अप होता है. तो इसीलिए मैंने इस टाइम इसको यहाँ डाला और अभी सोसाइटी का मुझे नहीं मिलता इतना साथ, यहाँ नहीं है इतने सपोर्टिव लोग, स्पेशली घर वाले भी. लाइक मेरे हस्बैंड भी समटाइम्स अगेंस्ट हो जाते हैं कि वो कर क्या रहा है वहाँ जाकर, ही इज डूइंग नथिंग. पर उसके कभी कभी की बातों से और बिहेवियर से घर वालों को चेंजेस भी दिखते हैं. तो आई थिंक कि है थोड़ा सा स्ट्रगलिंग जरूर है बट आई एम टोटली सेटिस्फाइड. थैंक यू वेरी मच. जैसा आपने कहा बिल्कुल है और जो आप कह रहे हैं ना छोटे बच्चे में ये डालना करना ये एक साइंटिफिक तथ्य है. बच्चा जब छोटा होता है तो उसके हर घंटे 2.5 लाख न्यूरॉन्स ग्रो करते हैं उसके ब्रेन के अंदर. तो जो आप बातें कर रहे हो कि वो छोटे में डालना उसके ही हम कनेक्शन बना रहे हैं. ठीक है, तो ये उसके कनेक्शन बना रहे हैं.